हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जहां पे जॉब करता हूं, जिस कंपनी में जॉब करता हूं, वहां से मुझे मिला है गिफ्ट। तो गिफ्ट को लाके मैं ऐसे ही रख दिया था और उसको अभी तक ओपन नहीं किया हूं, उसको अनबॉक्सिंग नहीं किया हूं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या पता खराब होने वाला भी सामान हो सकता है। सो ज़्यादा दिन तक उसको ऐसे ही रखना ठीक नहीं है। तो आज टाइम मिल गया है फाइनली और आज मैं जा रहा हूँ उसको ओपन करने के लिए, उसका अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो चलो देखते हैं गिफ्ट में क्या मिला है क्या नहीं मिला है। मुझे भी आइडिया नहीं है, लेट्स सी क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं और उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस, सबसे पहले देखो ये वाला बॉक्स है जो सबसे बड़ा है, तो ये काफ़ी लंबा है और बड़ा सा है। इसमें क्या है मुझे आइडिया नहीं है। दूसरा एक ये वाला है और इसमें भी क्या है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और तीसरा है ये, इसमें भी क्या है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये तीन हो गया और एक और है ये वाला। तो चार डब्बे हैं, तो चारों को ओपन करेंगे एक एक करके वन बाय वन और पता लगाएंगे किसमें क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले छोटा वाले से स्टार्ट करेंगे, पहले इससे स्टार्ट करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके और इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि दिवाली गिफ्ट में क्या मिला है हमको दिवाली में जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो पहले इसको ओपन करना शुरू करते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है और ये काफी हैवी लग रहा है। तो इसको ओपन करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या है। टेप टाप मरा हुआ है इसमें, ऐसे ही ओपन कर देते हैं, देखते हैं क्या है। मैं इसको पूरा ओपन करता हूँ, इसके अंदर का जो मिठाई है उसको निकाल कर दिखाता हूँ। इसमें मैं भी देखता हूँ इसमें क्या है। सोन पापड़ी टाइप का इसको है, तो इसको मैंने निकाल दिया है पूरा। और ये है मिठाई, सोन पापड़ी मिठाई, देख सकते हो। इसमें निकाल के ही देखते हैं क्या है, काफी हैवी पैकिंग है, इसके बाद भी लगा हुआ है। तो ये रहा गाइस, ये है मिठाई, देख सकते हो सोन पापड़ी है इसमें। सोन पापड़ी मिठाई जो होता है, एक निकाल के दिखा, ये पूरा टूट रहा है मतलब ऐसे, ये देखो इस तरह का है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसको मैं फिलहाल रखता हूँ साइड में और दूसरा ओपन करते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है, खा के भी चेक कर सकता हूँ मैं। ये हो गया, अभी दूसरा देखते हैं, इसको रखते हैं साइड में, इसका काम खत्म हो गया। इसमें क्या है, पूरा डब्बा जैसा दिख रहा है इतना बड़ा, कुछ तो रहेगा। अरे भाई इसमें क्या है, इसमें तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इसमें है डब्बा में, डब्बे में लग रहा है कुछ तो लंच बॉक्स जैसा दिख रहा है मेरे को। इसमें भी मारा हुआ है टेप, टेप खोलना पड़ेगा। तो इसमें है लंच बॉक्स, दिख गया है मेरे को। सो गाइस, ये है लंच बॉक्स, मुझे मिला है लंच बॉक्स और इतना बड़ा लंच बॉक्स, बट ये ओपन है, ठीक है, अच्छा है लंच बॉक्स। ये कैसे खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, ऐसे खोलने का पीछे लॉक दिया है। लंच में लेके नहीं जाता वैसे भी, बट लंच बॉक्स मिल गया तो शायद मैं लंच लेके जाऊँ। मतलब तीन है, तीन बॉक्स है ऐसा, अच्छा है, थैंक यू सो मच। सो इसको मैं रखता हूँ साइड में, अभी दूसरा वाला देखते हैं दूसरे में क्या है। अच्छा है लंच बॉक्स, और अभी खोलेंगे इसको, इसको खोलेंगे, ये काफ़ी बड़ा है। और इसमें क्या है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बॉक्स वाले में तो समझ में आ गया था कि कुछ तो है लंच बॉक्स टाइप का, कप टाइप का ऐसा कुछ, बट इसमें क्या है मुझे आइडिया नहीं है, काफ़ी लंबा है। ऐसे ही खोलते हैं, क्या है बाबा इतना लंबा, अच्छा इसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। एक खुलेगा कैसे, कहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, आई थिंक यहाँ से खुलेगा। ये देखो इतना लंबा है और इसके अंदर क्या है, ये देख सकते हो इसके अंदर है ड्राई फ्रूट्स, इसमें मतलब बादाम वगैरह है, काजू है, किशमिश है, ये पूरा ड्राई फ्रूट्स है, देख सकते हो।
ये काफी लंबा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है। मुझे लगा इसमें भी मिठाई है, मुझे लगा इसमें मतलब मुझे लगा इसमें डिफरेंट मिठाई मिलेगा, बट ये है अपना ड्राई फ्रूट्स। चलो अच्छा, ये बेरी क्रैनबेरी, अच्छा है। इसको रखते हैं साइड में अभी, और अभी ये टाइम आ गया है फाइनली लास्ट वाला, ये वाला, इसमें देखते हैं क्या है। इसको रखते हैं साइड में, ये अपना ड्राई फ्रूट्स है और चार तरह का ड्राई फ्रूट्स है, मतलब ये देख सकते हो, ये काजू है, सॉल्टेड काजू है, सॉल्टेड है नमक, मतलब फ्राई टाइप का ऐसा। उसके बाद किशमिश है और क्रैनबेरी, क्रैनबेरी है, उसके बाद है बादाम आलमंड। सो चार तरह का ड्राई फ्रूट्स है। तो अभी ये सब पॉकेट में है, ओपन नहीं है, तो इसको रखता हूँ मैं साइड में, अभी लाइट चलो, और अभी खोलते हैं लास्ट वाला, उसमें देखते हैं क्या। इसको वापस ऐसे रख देता हूँ। चलो ये हो गया साइड में, इसको रखते हैं, और अभी फाइनली आ गया है टाइम इसको खोलने का लास्ट, ये। सो इसका पैकिंग काफी शानदार है, इसमें भी मारा हुआ है टेप। भाई कैसा पैकिंग है, डबल डबल पैकिंग है, नहीं सिंगल ही है। इसके अंदर क्या है बाबा, अच्छा कुछ तो मिठाई टाइप का लग रहा है, मतलब इसमें ये निकलेगा कैसे, ओपन नहीं हो रहा, निकल जा भाई। So guys, finally, इसके अंदर जो है टेप मारा हुआ है, जब से इसलिए निकल नहीं रहा। So guys, ये मिला है देखो, ये है, और इसमें है ऐसे बताता हूँ, ये रहा, ये देखो, इसमें भी मिठाई है, बिस्किट है और डेयरी मिल्क का चॉकलेट है। सो गाइस, ये था हमारा दिवाली गिफ्ट जो कि कंपनी के तरफ से मिला था, और जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, एक में मिठाई था सोन पापड़ी, दूसरे डब्बे में था टिफिन लंच बॉक्स, और तीसरे में था ड्राई फ्रूट्स, और चौथा में अपना ये बिस्किट चॉकलेट और ऐसा टॉफी टाइप का कुछ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो चलो अभी ख़त्म करते हैं इसको, थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं, पूरा कचरा हो गया है, भर गया है कचरे से। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखो हालत है।